हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं नाम अरविंद है, आप देख रहे हो फ्रेंड्स कंगना रनौत की धाकड़ मूवी। यस गाइस, मतलब इससे बुरा सिचुएशन, इससे बुरा कलेक्शन आज तक किसी भी मूवी ने नहीं लिया। मतलब यार, जो मूवीज डिजास्टर साबित हुई थी, जो मूवीज काफी बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, उनका भी डे वन का कलेक्शन इतने ज्यादा थे जितना इसका फर्स्ट वीक का भी नहीं हो सकता। भाई साहब, मतलब क्या था ये? किधर गए इनके सपोर्टर्स? किधर गए वो लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे धाकड़ को जिता देते थे बोल बुलाए कंपैरिजन में? कहाँ गए वो लोग? सिर्फ तुम लोग ऑनलाइन पे ट्वीट करने के लिए, ऑनलाइन सपोर्ट करने के लिए, जब टाइम आया सपोर्ट करने का, मूवी देखने का, सबके सब छुट्टी पे, सबके सब गाँव भाग गए। क्या बात है यार, क्या सपोर्ट किया! वाह 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 वाह। एनीवेज, बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। सो मूवी ने अपने फर्स्ट डे कलेक्शन किया सिर्फ और सिर्फ 50 to 55 लाख। यस गाइस, एंड ये ऑफिशियल कलेक्शन है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जो बड़े बड़े यहाँ पे ट्रेड एनालिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे बॉलीवुड हंगामा हो गया, बॉलीवुड लाइफ हो गया, जो बड़े बड़े जैसे तरन आर्दस जैसे जो बड़े बड़े बंदे हैं, जो प्रॉपर ट्रेड निकालते हैं, प्रॉपर कलेक्शन रिपोर्ट निकाल के बताते हैं, उन लोगों ने खुद ही रिपोर्ट दिए कि मूवी ने फर्स्ट डे कलेक्शन के लगभग 50 to 55 लाख। एंड मूवी ने सेकेंड डे, मतलब अपने सैटरडे के दिन, गाइस सैटरडे के दिन, संडे के दिन, जहाँ मूवी ऊपर मैक्सिमम कलेक्शन करती है, इनमें क्या इंक्रीमेंट आया यार? मूवी ने सेकेंड डे अपने सैटरडे के दिन कलेक्शन के लगभग 65 लाख, मतलब फर्स्ट डे 50 to 55 लाख, सेकेंड डे 65 लाख। वाह, क्या इंक्रीमेंट है! एंड आज के दिन मूवी अपने थर्ड डे पे कलेक्शंस कर सकती है ज्यादा से ज्यादा 70 to 75 लाख। यस, एंड ये रियलिटी है। अगर तीनों दिन का भी कलेक्शन करोगे ना, तो मुश्किल से 2 करोड़ होगा। एंड ये रियलिटी है गाइस। मैं तो यही बोलूंगा कि इस तरह के फैंस ना ही मिले तो अच्छा है। मतलब मूवी कम से कम फर्स्ट डे तो अच्छे कलेक्शन करनी चाहिए यार। फर्स्ट डे कम से कम मूवी को 4 करोड़ 5 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन करना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ इनके फैंस जाते, अगर मूवी का एक्चुअली में हाइप क्रिएट हुआ था, तो उसके बावजूद देखो, फर्स्ट डे मूवी कलेक्शंस करती ही करती हैं। भले ही मूवी के अंदर स्टोरी ना अच्छी हो, जो भी खराब हो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट डे यहाँ पे पावर चलता है, स्टारडम चलता है, यहाँ पे मूवी का हाइप चलता है। कुछ भी नहीं चला, सबके सब फैंस धोखेबाज निकले, सबके सब चले गए भूल भुलैया 2 की तरफ। एंड आज का सिचुएशन ऐसा है कि भूल भुलैया 2 के सामने धाकड़ को सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा है। सो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है आगे के दिनों में, क्या ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शंस करेगी आज संडे के दिन, या मंडे के दिन कैसे रिपोर्ट्स आएंगे, ये सब देखना काफी कुछ एक्साइटिंग रहेगा इस मूवी के बारे में। कंगना रनौत का क्या सिचुएशन होगा फिलहाल के टाइम पे, सब जानना काफी ज्यादा भाई एक्साइटमेंट औखी में रहेगा ही रहेगा। देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।